हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें कहा गया है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 5 मीटर मोर देन विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के कहा गया है, मीन्स एक्चुअल में जो कहना चाह रहा है वो काफी दूर बात जाके कही है। एक बार देखते हैं, उसको समझते हैं द्वारा। यहां पे कहा गया है हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, और किसकी पैरामीटर? ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है Whose length is, जिसकी जो लेंथ है, is four more है than width, जो लेंथ है width से 4 more है। ये is 36, ये जो हमारे पास is 36 है, ये क्या है? ये देखो बहुत दूर जाके बात बताइए। ये कह रहा है कि half the parameter of a rectangular garden is 36 meter, यानी कि जो पैरामीटर का हाफ है वो 36 है। किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का। और रेक्टेंगुलर गार्डन कैसे है? जिसकी लेंथ है जो विड्थ से 4 मीटर मोर है, 4 मीटर ज्यादा है। तो क्या करना है? डायमेंशन फाइंड करनी है गार्डन की, मीन्स लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है गार्डन की। अब सपोज करो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। इस तरह से है कुछ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 more है, 4 नहीं है, 4 more है विड्थ से। तो ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है, ये भी हमारे पास लेंथ है और ये भी हमारे पास विड्थ है। अब जो वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, वो लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो हम, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट, देखो 4 more कौन है? लेंथ 4 more है विड्थ से। हम क्या मानते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर। इसी तरह से विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको हम मान लेते हैं वाई मीटर। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से चलते हैं। जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का या रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 into एल प्लस बी। ये पैरामीटर होता है जिसको हम पी से लिखते हैं। अब यहां पे ये पैरामीटर है और बात किसकी हो रही है? हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर के हाफ की। पैरामीटर होता है 2 into L+B, इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके हाफ मिल जाएगा, यानी कि पैरामीटर का हाफ हो गया L+B।
एल हमारे पास लेंथ है और बी हमारे पास विड्थ है। अब यहाँ पे आए तो अक्योर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ कितना है 36 और पैरामीटर क्या है एल प्लस बी और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एल दैट इज इक्वल टू एक्स और यहां से बी दैट इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को देखें तो ये हमारे पास है कि जो पैरामीटर का हाफ है, पैरामीटर होता है 2 × L + B और पैरामीटर का हाफ यानी कि L + B, यानी कि जो L + B है, L + B है वो हमारे पास कितना है 36 है, 36 तो L की वैल्यू X है और B की वैल्यू Y है, ये हमारे पास 36 है। तो ये कंडीशन वन आ गई हमारे पास। ठीक इसी तरह से हम कंडीशन टू के बारे में देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन है यहां उसने कहा कि जो लेंथ है, लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास एक्स और जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास क्या है वाई है। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 मोर है लेंथ। देखो ये 9 है, ये 5 से कितना ज्यादा है कैसे पता चलेगा, इसमें से माइनस कर दो 4 है। अगर लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है तो लेंथ में से अगर हम विड्थ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि जो लेंथ है वो एक्स है और जो विड्थ है वाई है, तो लेंथ में से विड्थ माइनस कर दे तो हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशन सेकेंड आ गई। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई और इसको अब हमें सोल्व करना है क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में हम देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसके पॉइंट के लिए हम क्या लिख देते हैं कि व्हेन x इज 0, x जब 0 है तो y की वैल्यू 36 आ गई, तो पॉइंट आ गया 0 और 36। इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू 36 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया 36 एंड 0। तो लाइन जो हमारे पास 1 है उसके कोरिस्पॉन्डिंग तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक इसी तरह से लाइन 2 है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां से y इज इक्वल टू -4, तो 0 और -4। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज 0, ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट आ गया 0 और 4। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0, 36, 36, 0, 0, -4 और 4, 0। इसको अब हमें प्लॉट करना है। अब यहां से इसको हम यहां से हटा सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको सोल्व करें। तो अब देखो हम यहां से देखो x और y की मैक्सिमम वैल्यू 36 है और बाकी के 4 और -4 है, तो 4 की टेबल में 36 आता है, तो 4 के ले लेते हैं, ये ओरिजिन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40, ये x हो गया, यहां पे x डैश -4, -8, -12, -16, -24 and so 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40, ये y और ये y डैश -4, -4, -8, -12, -16, -20 and so। अब when x is 0 y is 36, when x is 0 y is 36, x 0 है तो y 36 है, तो यहां पे हम ये हमारे पास पॉइंट है x 0 y 36।
सेकंड है एक्स 36 वाई 0, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। मेरे बच्चों ग्राफ पेपर की सहायता से आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि यहां से हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन वन के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो आ गया, यानी कि ये हमारे पास आया। यहां पे कहीं लिख देते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट हमारे पास अगर सेकंड को प्लॉट करें, हम सेकंड में है एक्स जीरो तो वाई माइनस फोर, एक्स वाई एक्सिस पर जीरो होता है तो एक्स जीरो वाई माइनस फोर ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और एक्स फोर वाई जीरो तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम मिला देंगे और दोनों साइड में इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे और इस पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास है x माइनस वाई, यहां पे लिख देते हैं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पे अब हमें इसके लिए जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। अब यहां तो क्योंकि हमारा स्केल सही नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी कि इसको देखो ये हमारे पास जो लाइन है वो थोड़ी सी मुझे अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर से देखूं तो मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में नजर आ रही है। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से लगा लूं आप इसको स्केल से ही करोगे ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो किस तरह से किस तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है जो आपने प्लॉट किया था, इस वजह से इनको ग्राफ पेपर पे करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस पे लिख दिया हमने। अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा आंसर है। तो यहां से हम नीचे आ जाते हैं, एक्स मिल जाएगा और यहां इधर चले जाते हैं तो वाई मिल जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व किया जो हमने, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई है यहां पे हमें जो एक्स की वैल्यू मिली है वो मिली एक्स की वैल्यू 20 मीटर और वाई की वैल्यू मिल गई हमें, यहां मीटर ना भी लिखे बेशक आप, वाई इज इक्वल टू 16, यहां से एक्स और यहां से वाई। सो लेंथ ऑफ यहां नहीं आने का पूरा इधर ही कर लेते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज इक्वल टू 20 मीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर है। अब प्यारे बच्चों यहां पे आप देखो कि कंडीशंस चेक कर ले एक बार, उसने ये कहा था कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी लेंथ आ गई 20 मीटर और विड्थ आ गई 16 मीटर। अब जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, उसका हाफ होता है एल प्लस बी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप मिल जाएगा एल प्लस बी 36 है, तो इन दोनों को प्लस करो 36 बनते हैं, तो 20 प्लस 16 यहां पे हमारा एल एक्स है और बी वाई है, तो ये 36 हो गए हमारे पास, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो 2016 से जो लेंथ है 4 मोर है विड्थ से, तो 2016 से 4 ज्यादा है, तो ये भी बात सही है, यानी कि जो हमारा ये आंसर है वो बिल्कुल सही है, हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है। तो इस तरह से जो आप आंसर निकालते हो उसकी जांच कर सकते हो। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक
जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या कहा गया है। यहां पे है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें इन टू वेरिएबल्स सच दैट, एक और क्यों लिखनी है, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर कर रहे हैं, तो एक तो उसने बता दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरी पूछ रहे सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वो जो दो लाइन्स बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग हो, उनका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकाले, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। एक तो लाइन हमें दे रखी है क्या 2x + 3y - 8 = 0, हमें एक और लाइन निकालनी है, एक और लाइन बतानी है कि वो जो दो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक इसी प्रकार एक लाइन हमें दे रखी है, हमें एक और लाइन बतानी है कोई जिससे वो जो टू लाइन्स होंगी वो पैरेलल होगी। ठीक इसी प्रकार एक लाइन हमें दे रखी है, एक और लाइन हमें बतानी है कोई कि टू जो लाइन्स होगी वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। यहां पे पहले तो एक बात नोट करने वाली है कि जो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर फिक्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी लाइनें हो सकती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसके साथ इंटरसेक्ट करने वाली पता नहीं इनफिनिट मेनी लाइंस हो सकती हैं। आपको कोई एक एग्जांपल देना, इसके पैरेलल भी बहुत सारी हो सकती है और इसके जो कोइंसिडेंट है वो भी बहुत सारी बन सकती है, तो एक से ज्यादा इसके आंसर हो सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते, ये जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो आप इनसे जो डिफरेंट है कुछ भी चूज कर ले, मल्टीपल में ना हो, इनके मल्टीपल ना हो, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 आएगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 आएगा, ऐसे मल्टीपल में ना हो, बाकी जो मर्जी चूज कर ले आप, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड लाइन चूज की, मैं सेकेंड लाइन ले रहा हूं 3x + 4y + 10 = 0, ये मैंने लाइन ली है और मैंने कहा कि अब ये जो पेयर बनाया है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, बस आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्टिंग लाइन के इसके मल्टीपल में मत चूज करें आप एक्स वाई के, जैसे इसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 9y, तो 6 9 नहीं लें, 4 6 ना लें, डिविजिबल वाले भी ना लें, डिविजिबल और मल्टीपल वाले ना लें, बाकी जो मर्जी ले लें। अब यहां 2x और 3 था, यहां पे हमने 3 और 4 ले लिया, कुछ भी ले लें, 3 और 7, 10 और 5, 10 और 20, मल्टीपल में ना हो, बस 10 और 50 नहीं लेने, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 15 बनेगा, तो 10 और 15 नहीं, 10 और 20 ले लें, 10 और 11 ले लें, 10 और 12 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टीपल में ना हो उसके। अब देखो आप ये हमारा आंसर आ गया, तो सिंपल सी बात, आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास a1 2 है, b1 3 है, c1 -8 है, सारे को लेफ्ट साइड में मान लें, a2 = 3 है, b2 4 है और c2 हमारे पास 10, तो a1/a2 ये 2/3 है और b1/b2 ये हमारे पास 3/4 है, तो देखो ये इक्वल नहीं है, तो a1/a2 = b1/b2, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिव, हो गया ये हमारे पास, तो बिल्कुल सिंपल, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखने की मल्टीपल में ना हो, बस जैसे कोई भी लाइन आपके पास गिवन है इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है तो बस मल्टीपल में ना हो, बाकी जो मर्जी लिख ले इंटरसेक्टिंग ही बनेगी। अब आगे
सेकंड में कहा है कि पैरेलल लाइंस हो, सेकंड में कहा है कि पैरेलल लाइंस हो, और थर्ड में कहा है इन कोइंसिडेंट लाइन हो। पहले थर्ड करते हैं फिर सेकंड पे आते हैं। थर्ड में कहा है कि कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। तो कोई भी कोइंसिडेंट लाइन अगर आपको बनानी है तो जो लाइन गिवन है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। मैंने इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया या इसको मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये सिक्स एक्स, एक तो ये हमारे पास थी, दूसरी हमने ये ली, तो सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई, किससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये जो दो लाइन्स बनी है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। अब ये जो दो लाइन्स बनी है वो कैसी बनी है, कोइंसिडेंट लाइन है। आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके जो नई लाइन आएगी तो इस तरह से जो दो लाइनें हमें मिलेंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। चेक करें, ए वन दैट इज टू, बी वन इज थ्री, सी वन इज माइनस एट, ए टू इज सिक्स, बी टू इज नाइन और सी टू इज माइनस 24। अब देखो ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज टू डिवाइड बाय सिक्स आ गया हमारे पास 1/3, बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज थ्री डिवाइड बाय नाइन, ये भी सोल्व करने के बाद 1/3, सी वन डिवाइड बाय सी टू इज माइनस एट डिवाइड बाय माइनस 24 सोल्व करने के बाद 1/3। तो ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज इक्वल टू सी वन डिवाइड बाय सी टू, तो सारे इक्वल आ गए। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो लाइन्स कैसे है, कोइंसिडेंट है, पता चल गया। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या, बस मल्टीपल नहीं करना, मल्टीपल से मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, बाकी जो मर्जी लिख दिया। जैसे यहां पे 2, 3 है तो ये जो लाइन है इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, बाकी जो मर्जी लिखने इंटरसेक्टिंग बने। कोइंसिडेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जो दो लाइनें फिर आपको मिलेंगी वो कोइंसिडेंट ही होंगी। तीसरे पे आते पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में थोड़ा सा चेंज रहेगा। आपको क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन कॉन्स्टेंट पार्ट को नहीं करना। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना बन गया 4x प्लस 6y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 16 हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16। लेकिन अगर इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी जो मर्जी लिखे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस 16 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस 16 बनेगा, माइनस 16 नहीं बनना चाहिए, बाकी जो मर्जी बने, ठीक है ना, माइनस 16 नहीं बनना चाहिए, बाकी जो मर्जी लिख दें आप इसको। यानी कि ये x और y के जो कोफिशियंट है उनको तो मल्टीपल में ही रखो, और यहां पे माइनस 16 की बजाय कुछ भी लिख दें आप, मैंने प्लस का 7 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा आंसर है, ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। चेक कर ले, ए वन इज 2, बी वन इज 3, सी वन इज माइनस 8, ए टू इज 4, बी टू इज 6 और सी टू इज 7। ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज 2/4 मीन्स 1/3। इसी तरह से बी वन बाय बी टू इज 3/6 मीन्स 1/2। सी वन बाय सी टू दैट इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 7। तो यहां पे हमारे पास ए वन डिवाइड बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू दैट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। सो लाइन्स आर पैरेलल, तो ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें लाइन, किसी लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करने के लिए हमें लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पहले वाली लाइन को, और कुछ भी करें, जैसे इसको 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी जो मर्जी करें आप, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन में आपको किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। कांस्टेंट पार्ट में उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है उसको छोड़ के बाकी कुछ भी लिख दो, क्योंकि अगर आपने जो उस नंबर जैसे इसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखा लेकिन कांस्टेंट पार्ट को नहीं मल्टीप्लाई किया, अगर कांस्टेंट पार्ट को भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां -16 लिख दिया तो ये कांस्टेंट बन जाएगी। सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे कह लो कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना बनता है, जैसे 16 बनता है माइनस का, -16 बनता है, तो -16 की बजाय आप जो मर्जी लिख लो आपका आंसर सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंट आंसर निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।